एलएसडी एक हेलुसिजेनिक पदार्थ है। ये आजकल यूथ और स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर होता हुआ ड्रग है। ये एक सिंथेटिक ड्रग है और काफी खतरनाक है, जिसको हम लोग एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसको लेने वाले एसिड ट्रिप या बैड ट्रिप बोलते हैं। कहते हैं कि इसको लेने से उनको अलग ध्वनि, अलग कलर्स, अलग तरंगे महसूस होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य पे पड़ने वाले इसके प्रभाव काफी गंभीर हैं। हृदय रोग, मानसिक विक्षिप्तियां कुछ एक कॉमन एलिमेंट्स हैं। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रख के हमारी विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उसमें इसकी कमर्शियल क्वांटिटी 0.1 ग्राम रखी गई है। आप समझ सकते हैं कि इसको कमर्शियल अगर 0.1 ग्राम रखा गया है तो उसका क्या कारण होगा। आप लोग परिचित होंगे, जैसे ये रेवेन्यू स्टैंप होता है, एक स्टैंप का आधा हिस्सा अगर मैं इतना लूं, ये एक ब्लॉट होता है जो एक बार में व्यक्ति कंज्यूम करता है सोलो करके या दूसरे तरीके से लेकर। इसको ट्रैफिक करना भी बहुत आसान होता है। छोटा सा स्टैंप है, आप इसको कहीं भी छुपा सकते हैं, किताब के बीच रख सकते हैं, और इसको ट्रेस करना भी उतना ही मुश्किल है, लगभग असंभव सा है। किसी भी डॉक्यूमेंट के बीच में रख के इसको पार्सल कुरियर किया जा सकता है। तो लगभग 5 या 6 ब्लॉट्स की एक कमर्शियल क्वांटिटी बनती है। एनसीबी ने इस ऑपरेशन में 2 केसेस के तहत 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लगभग 15,000 ब्लॉट्स रिकवर किए हैं, जो कमर्शियल क्वांटिटी का 2,500 गुना है। बीते कई वर्षों में, बल्कि 2 दशकों में, हमने जो अपना रिकॉर्ड खंगाला है, इतनी बड़ी मात्रा में जब्ती नहीं हुई है। इनफैक्ट 2021 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे साल में 5,000 ब्लॉट्स की रिकवरी पे की उपलब्धि पे पुलिस को बधाई दी थी। और लगभग 5,000 ब्लॉट हमारी कलकत्ता यूनिट ने पिछले साल जब्त किए थे, तो ये एक बड़ी सफलता है। इसमें दूसरा नेटवर्क अभी शामिल हम नहीं कर रहे हैं, उसमें हुई जब्तियों का। ये एक बड़ा नेटवर्क था जो जिसके तार पोलैंड, नीदरलैंड, यूएसए से होते हुए भारत के विभिन्न राज्य जैसे दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि में फैले हुए थे। एक समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से हमारी दिल्ली की जोनल टीम ने अन्य स्वपक नियंत्रण ब्यूरो की इकाइयों के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। विगत कुछ दिनों से यह ऑपरेशन चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के मद्देनजर हमने ये उस समय आपसे साझा करना उचित नहीं समझा। इसमें अधिकतर लोग शिक्षित युवक हैं और कंज्यूमर्स युवा वर्ग के स्टूडेंट्स हैं। भारत धीरे धीरे एक बड़ा कंज्यूमर कंट्री बनता जा रहा है, यह चिंता का विषय है। इसलिए ऐसे घातक सिंथेटिक ड्रग्स को रोकना हमारी प्राथमिकता बन जाती है। इसमें इन लोगों ने डार्कनेट, सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी, कुरियर और फॉरेन पोस्ट का इस्तेमाल किया। जब हमने शुरुआती रुझानों में देखा कि यह बड़ा नेटवर्क हो सकता है, तो इसके लिए एक एसआईटी गठित की गई, जिसके मुखिया हमारे जोनल डायरेक्टर दिल्ली के श्री ज्ञानेन को बनाया गया। इनकी अगुवाई में हुई टीम ने सोशल मीडिया की पेट्रोलिंग करके, ऐसे केसेस कम होते हैं जब हम सोशल मीडिया या डार्कनेट की पेट्रोलिंग करके किसी नेटवर्क तक पहुंचते हैं। ये एक ऐसा ही सफल उदाहरण है जिसमें सोशल मीडिया की पेट्रोलिंग करके ये लोग अक्यूज्ड और उनके नेटवर्क तक पहुंचे और धीरे धीरे इनका पर्दाफाश किया।
इन सब का मकसद एक आसान पैसा, वर्चुअल फेम, और टोटल एनोनिमस होता है, इसलिए ये लोग तो बिल्कुल डरते ही नहीं हैं, बिल्कुल भय नहीं है पकड़े जाने का, और शायद नशे की लत में जीवन पर से भी उनका फोकस हट गया था। तो इस तरह सिंडिकेट के कुल 6 सदस्यों को गिरफ्तार करके 15,000 के लगभग एलएसडी ब्लॉट्स, 2.25 किलो फॉरेन से आया हुआ गांजा मैरिजुआना, 4,65,000 रुपए जब्त किए गए, 20,00,000 रुपए बैंक के खातों से फ्रीज किया गया, और क्रिप्टो वॉलेट्स पे हम लोगों की कार्रवाई अभी जारी है। ये लोग सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से संपर्क साधते थे और डिलीवरी में फर्जी पते, फर्जी मोबाइल नंबर और कुरियर का इस्तेमाल करते थे। पेमेंट क्रिप्टो करेंसी और इसी तरह यूपीआई के माध्यम से होता था, और इसमें कोई भी क्रेता और विक्रेता के बीच मौखिक संचार नहीं होता था, सारी डीलिंग्स वर्चुअल होती थी। इसके पहले भी आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने 2021 में एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया था जिसमें 47 मामले दर्ज हुए थे, 40 आरोपियों को गिरफ्तार करके 3 डार्कनेट सोशल मीडिया साइट्स को हम लोग ध्वस्त करने में कामयाब हुए थे। उसी के कड़ी में आगे ये एक सफलता मिली है। इसमें शुरुआती दौर में नोएडा में एक निजी विश्वविद्यालय के एक छात्र जो कि गोवा का निवासी था, उस तक हम पहुंचे और उसके पास से कमर्शियल क्वांटिटी में एलएसडी बरामद हुई। पूछताछ पे उसने हमें विकर आईडी ऐप पे होने वाली इस लेनदेन के बारे में बताया, और ऐसा पता चला कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में एक बड़ा गैंग काम कर रहा है। इसी फील्ड इनपुट के आधार पे दिल्ली निवासी एक लड़के को पकड़ा जिसके पास से भी कमर्शियल क्वांटिटी के ब्लॉट्स बरामद हुए, जो कि इसको कश्मीर भेजने की कोशिश कर रहा था। 15 ब्लॉट्स उसके पास से बरामद हुए और 650 ब्लॉट्स उसके घर से बरामद हुए। गहन पूछताछ में यह बात सामने आई कि एक लड़की भी इनकी गिरोह की सदस्य है, उसके काम करने को इन्होंने कबूल किया। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को एनसीआर में उसके घर से दबोचा। उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन के आधार पे जयपुर राजस्थान में एसआईटी के दौरान एक जो प्रमुख सप्लायर था उसको पकड़ा गया। उसके पास 9,000 से ज्यादा ब्लॉट्स बरामद हुए और 2.5 किलो गांजा और 4,65,000 की नकदी। ये जयपुर स्थित आदमी की अरेस्ट के बाद पता चला कि ये मास्टरमाइंड था और डार्क वेब विकर आईडीज पे लोगों को कमर्शियल क्वांटिटी में एलएसडी सप्लाई करता था, और ऐसी ही सप्लाई बहुत सारी ट्रांजिट्स में है। तो ट्रांजिट में हुई एक सप्लाई जो पुणे जा रही थी उसके लिए टीम रवाना की गई। डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पे हम लोगों ने पिंपरी चिचवाड़ जाने वाली इंडिया पोस्ट की एक खेप को पकड़ा, पुणे के पोस्ट ऑफिस में रोका गया, वहां 5,000 से ज्यादा ब्लॉट्स उसमें बरामद हुए, और अनुवर्ती कार्रवाई में नोएडा से 2 सिंडिकेट के सदस्यों और केरला से 1 सिंडिकेट के सदस्य को एलएसडी की वाणिज्यिक मात्रा के साथ गिरफ्तार किया गया। तो मुझे उम्मीद है इसमें आगे और उपलब्धियां भी आएंगी। अभी तक हुई कार्रवाई से मैंने आपको अवगत कराया, और मुझे हर्ष है कि हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की जो प्रयास चल रहे हैं, चाहे वो डार्कनेट हो, चाहे सोशल मीडिया पेट्रोलिंग हो, चाहे अपने आदमियों को इन तकनीकियों से वाकिफ कराना, इनके परिणाम अब आने शुरू हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमारे युवा साथी और स्टूडेंट्स
इन सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं उनसे यह भी अपील करना चाहूंगा कि इनसे होने वाले स्वास्थ्य के खतरों के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति सचेत रहें, जीवन को कहें हां और नशे को ना। धन्यवाद। कीमत क्या होगी सर, जो ये टोटल ड्रग्स बरामद हुआ है और हिंदुस्तान ये किस तरीके से पहुंचता है? कीमत हम लोग देखिए, ये हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है, हम ऑफिशियली इसको कमिट नहीं करते हैं, पर आप गूगल पे जाएंगे तो 3,000 से 5,000, 7,000 पर ब्लॉट की कीमत बताई जाती है। और ये मुख्यतः पोलैंड और नीदरलैंड से आ रहा है, यूरोप में ये प्रोड्यूस होता है और धीरे धीरे इंडिया एक हब बन गया है कंज्यूमर का, तो एलएसडी काफी मात्रा में आ रहा है और मुझे उम्मीद है इस रिकवरी के बाद हम लोग वहां के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर वहां के समूहों पर भी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे।